रिलायंस जियो ने बेसिक डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन के साथ अपने नए प्रीपेड प्लान्स को भारत में लॉन्च किया है। जियो के मौजूदा ग्राहक जो पुराने डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लान्स में हैं, उन्हें प्लान एक्सपायर होने तक पुराने बेनिफिट्स ही मिलते रहेंगे। जियो लेटेस्ट प्लान्स के साथ नए डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल ओनली सब्सक्रिप्शन को ऑफर कर रहा है। कंपनी के नए 499 रुपए वाले प्लान के बारे में बात करें तो इसमें ग्राहकों को रोज 3 GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स, रोज 100 SMS और 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ग्राहकों को इस प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। इसी तरह जियो के नए 666 रुपए के प्लान में ग्राहकों को रोज 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 100 SMS मिलेंगे। इस प्लान में ग्राहकों को 56 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। जियो के नए 888 रुपए वाले प्लान की बात करें तो इसमें ग्राहकों को रोज 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स, रोज 100 SMS और 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इस प्लान में 84 दिन की वैलिडिटी का फायदा ग्राहकों को मिलेगा। इन प्लान्स के साथ कंपनी ने एड ऑन प्लान भी पेश किया है। इसमें ग्राहकों को 56 दिन की वैलिडिटी, रोज 1.5 GB डेटा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल का फ्री एक्सेस 1 साल के लिए मिलेगा। कंपनी के 2599 रुपए वाले प्लान में ग्राहकों को रोज 2 GB डेटा यानी टोटल 740 GB डेटा 365 दिन की वैलिडिटी के दौरान मिलेगा। बाकी के बेनिफिट्स सेम रहेंगे। टेलीग्राम वो लेटेस्ट ऐप है जिसने ग्लोबली 1 अरब डाउनलोड्स का आंकड़ा पार कर लिया है। ये डेटा सेंसर टावर ने शेयर किया है। ये ऐप 2013 से उपलब्ध हुआ है और मार्केट में इसका कड़ा मुकाबला व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर से है। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी विवाद के समय से ये ऐप ज्यादा हाईलाइट हुआ और इसे काफी ग्रोथ भी मिली थी। सेंसर टावर ने कहा कि टेलीग्राम ने दुनिया भर में 1 अरब डाउनलोड्स का आंकड़ा पहली बार शुक्रवार 27 अगस्त को पार किया। इस लिस्ट में जो दूसरे ऐप्स शामिल हैं, उनके नाम व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स हैं। सेंसर टावर द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत टेलीग्राम के लिए सबसे बड़े इंटरनेट बाजार के रूप में उभरा। यहाँ से लगभग 22% लाइफ टाइम इंस्टॉल मिले हैं। भारत के बाद ऐप के लिए रूस और इंडोनेशिया दो प्रमुख बाजार रहे जहाँ से इसे अपने कुल इंस्टॉल का क्रमश 10% और 8% इंस्टॉल मिला है। तीसरी खबर विंडोज 11 से जुड़ी हुई है। 5 अक्टूबर से विंडोज 11 यूजर्स को दिया जाने लगेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे हाल ही में लॉन्च किया था और अब कंपनी ने रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये हर यूजर्स को नहीं मिल पाएगा। इसके लिए कंपनी ने योग्यता तय कर दी है। 5 अक्टूबर से जारी किए जा रहे विंडोज 11 में सभी फीचर्स नहीं दिए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक विंडोज 11 एक फ्री अपग्रेड होगा। फ्री अपग्रेड उन यूजर्स के लिए जो विंडोज 10 का लाइसेंस वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूज ब्यूरो।